पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में वहां बचे अल्पसंख्यक हिंदू सिखों के विरुद्ध जघन्य अत्याचारों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत एक सप्ताह में बांग्लादेश में तो हद ही हो गई। वहां न हिंदुओं की जान बचाई जा सकी है, न माँ दुर्गा पूजा के मंडप बचे हैं और न ही हिंदू मंदिरों में जबरन घुसकर भगवानों की मूर्तियों को खंडित करना, उनकी बड़ी ही बेरहमी से तोड़ना, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार, हत्या, लूटपाट, आगजनी जैसे कोई भी कुकृत्य इस्लामी जिहादियों ने नहीं छोड़ा। हिंदुओं को हो रहे अत्याचार रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाए, इस मांग को लेकर राष्ट्रपति व जिलाधिकारी के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। अकेले दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं घट चुकी है। हिंदुओं की 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल अपवित्र कर तहस नहस कर दिए गए। चाहे नुआखली का इस्कॉन मंदिर हो या ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर, बंदरबन का लामाहरी मंदिर हो या चांदपुर का श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम, चमुहानु का राम ठाकुर आश्रम हो या चौक बाजार का करुणामयी काली मंदिर और या फिर कोरी ग्राम के 7 अन्य मंदिर, ये सूची बड़ी लंबी है। कितने ही घरों, दुकानों व धर्म स्थलों में हिंसा, आगजनी व लूटपाट का नंगा नाच हुआ, कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 से 12 हिंदू अपनी जान गंवा चुके, देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी, हिंदुओं को मारा पीटा गया, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना सब होने के पश्चात भी बांग्लादेश की सरकार आग बंद करके बैठी है। इन विभत्स कांडों को देखकर हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बांग्लादेश सरकार से मांग की गई कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों तथा अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए तथा भारत सरकार से निवेदन किया गया कि वह बांग्लादेश से इन घटनाओं को रोकने हेतु दबाव बनाए। हाल ही में जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ जो हो रहा है अत्याचार, और जिसके लिए अगर हम सभी मिलकर अगर कुछ कदम न उठाए तो आगे चलकर जो अल्पसंख्यक वहाँ पर बचे हुए हैं हिंदू, उनका जीना भी काफ़ी दुष्कर होते जा रहा है। मतलब वहाँ की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, घरों में जाकर लोगों के साथ मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम सभी मिलकर चाहते हैं इसके लिए शीघ्र कुछ स्टेप उठाए जाए पूरे विश्व के लेवल पे, ताकि आगे वो ऐसे कदम ना उठा सके। इस दौरान उन्होंने निवेदन दिया कि इस मामले में हस्तक्षेप कर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, जिससे कि वह पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय व सुरक्षा मिले, जान माल के नुकसान हेतु उचित मुआवजा मिले, अतिक्रमणकारियों को चुन चुन कर गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दिलाई जाए, इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पूर्ण विराम हेतु समुचित कदम उठाए जाए, साथ ही वहां शेष बचे हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा व जीवन जीने के अधिकार मिले। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।